नमस्कार बच्चों, सुप्रभात। आप सब कैसे हैं? मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका रेखा बेस्ट हूँ। बच्चों, सब अपनी फाइल के साथ कॉपी, पेंसिल, रबड़ और कलर्स के साथ पढ़ने के लिए तैयार रहें। आपको सीधे बैठना है और कार्य करते समय इधर उधर नहीं देखना है। तो बच्चों, अब आप अपनी हिंदी की पुस्तक स्वरज्ञान का पेज 49 खोलेंगे, 4 और 9। खोला सभी ने? तो इस पेज में आज हम क्या करेंगे, हम दिए गए संकेतों की सहायता से चित्रों के नाम लिखेंगे। यहाँ पर इन शब्दों में आ औ की मात्रा लगाकर इनको पुनः लिखेंगे और नीचे रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करें। चलिए तो बताइए, ये किसका चित्र है? कौआ। तो क पर औ की मात्रा, कऊ आ, कौआ कौआ। लिखा सभी ने? चलिए अब बताइए, ये किसका चित्र है? नौका। तो न पर औ की मात्रा, नौ का, नौका नौका। तो लिखा सभी ने नौका? चलिए अब बताइए, ये किसका चित्र है? किसका चित्र है? खिलौना। किसका चित्र है ये? खिलौना। तो खि, ल पर औ की मात्रा, लौ ना, खिलौना खिलौना। लिखा सभी ने खिलौना? तो चलिए अब हम इन शब्दों में औ की मात्रा लगा के इनको दोबारा से लिखेंगे। तो लिखा हुआ है फौजी, तो हम इसे बनाएंगे फौजी। तो लिखिए, फ पर औ की मात्रा, फौ जी, फौजी फौजी। लिखा सभी ने? चलिए अब कड़ी, तो अब हम लिखे इसमें क्या लिखेंगे? क पर औ की मात्रा, कौड़ी कौड़ी। क पर औ की मात्रा, कौड़ी कौड़ी कौड़ी। लिखा सभी ने कौड़ी? चलिए अब मौसी, तो हम इसे बनाएंगे मौसी। तो म में औ की मात्रा, मऊ सी, मौसी मौसी। तो लिखा सभी ने मौसी? चलिए अब दौड़ा, अब इसे बनाएंगे दौड़ा। तो द में औ की मात्रा, दौड़ा दौड़ा दौड़ा। लिखा सभी ने दौड़ा? चलिए अब हम यहाँ पर लगाएंगे क चौड़ी, अब उनसे बनाएंगे क चौड़ी। तो क च पर औ की मात्रा, चौड़ी क चौड़ी कचौड़ी। लिखा सभी ने कचौड़ी? चलिए खिलना, अब इसे बनाएंगे खिलौना। तो खि, ल पर औ की मात्रा, लौ खिलौना खिलौना। लिखा सभी ने खिलौना? चलिए अब हम इस पर औ की मात्रा लगाएंगे ह थड़ी, ह थौड़ी हथौड़ी। तो लिखिए ह, थ पर औ की मात्रा, थौ अड़ी हथौड़ी हथौड़ी। लिखा सभी ने हथौड़ी? चलिए जहरी, तो अब इसे क्या बनाएंगे? जौहरी। तो ज में औ की मात्रा, जऊ ह री जौहरी। लिखा सबने जौहरी? चलिए अब हम
इन शब्दों में औ की मात्रा लगाएंगे तो सदागर है, तो हम इसे बनाएंगे सौदागर। स में औ की मात्रा सौ दा ग र सौदागर। लिखा सभी ने सौदागर। चलिए अब धौलपुर है, तो हम इसे क्या बनाएंगे धौलपुर। ध में औ की मात्रा धौ ल पु र धौलपुर। तो लिखा सभी ने धौलपुर। चलिए अब हम इस पर लगाएंगे चौकीदार है, तो हम इसे बनाएंगे चौकीदार है। तो च में औ की मात्रा चौ की दा र चौकीदार। तो लिखा सभी ने चौकीदार। चलिए अब अगले वाले पे लगाएंगे नौकरानी, तो हम इसे बनाएंगे नौकरानी। तो नामे औ की मात्रा नौ रा नी नौकरानी। तो लिखा सभी ने नौकरानी। तो चलिए अब हम नीचे रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। तो सबसे पहले हम इन वाक्यों को पढ़ेंगे। कौशल कौशल गौरव गौरव का डैश है। कौशल गौरव का है, क्या है भाई? है कि दोस्त है? हमने क्या पढ़ा था वाक्यों में? भाई है, तो भाई भाई। कौशल गौरव का भाई है, लिखा सभी ने। चलिए अब अगला वाला पढ़ेंगे। कौशल कौशल को डैश भाती भाती है। कौशल को क्या भाती है? पकौड़ी की कचौड़ी? कचौड़ी। तो लिखेंगे क चौपे औ की मात्रा चौड़ी कचौड़ी कचौड़ी। कौशल को कचौड़ी भाती है, लिखा सभी ने। चलिए अब हम अगला वाला वाक्य पढ़ेंगे। गौरव गौरव यहाँ पर मिसप्रिंट है, खाता है खाता है। गौरव क्या खाता है? पकौड़ी। तो लिखेंगे प कौड़ी पकौड़ी खाता है। गौरव पकौड़ी खाता है, तो लिखा सभी ने। अब हमें क्या करना है? अब हमें अपनी पुस्तक स्वरज्ञान का पेज 48 खोलना है। तो सभी ने पेज नंबर 48 खोला। तो इस पेज में हमें क्या करना है? हमें जोहर से लेकर नौकरानी तक ये जो औ की मात्रा के शब्द हैं, ये हमें अपनी पुस्तिका में बाद में लिखने हैं। और जब आपका कार्य पूरा हो जाता है तो उस पेज और इस पेज दोनों की फोटो खींचकर मैम को व्हाट्सएप पर भेजना है। ठीक है बच्चों? बहुत बहुत बढ़िया।